आज दिनांक 12/2/2023 को अहेर समाज से चुनकर आए पंच पंचायत समिति जिला परिषद जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अहेर समाज के नवनिर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कार्यक्रम में पहुंचे अहेर रेजिमेंट की मांग को लेकर कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, जिसमें संयुक्त अहेर रेजिमेंट मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव को मोमेंटो व पगड़ी पहनाकर यादव का सभा महेंद्रगढ़ प्रधान व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राव दनशिव साध्वी पुष्पा शास्त्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साध्वी पुष्पा शास्त्री ने कहा कि शहीदों को सम्मान दिलाने समाज की जायज मांग के लिए समाज के सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत मार्गदर्शन दिया और यहाँ पर जब ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, इससे बच्चों में एक मोटिवेशन मिला है, एक सही प्रेरणा मिली है, क्योंकि एक यूनिट ब्लड देने से लगभग 3 जिंदगियाँ बचती हैं। तो ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान महादान है और इसमें हम सभी को भागीदारी करनी चाहिए और यहाँ पर ये विद्यालय में सर कहते हैं कि रक्त की बूंद किसी जिंदगी को जिंदगी बढ़ा सकती है, रक्तदान महादान है। आज मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? आज गांव मुकुंदपुरा में हमारे जो नौजवान साथियों ने टिंकू प्रधान ने यहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया था और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर जिला उपायुक्त के रूप में अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो, क्योंकि गाँव के अंदर पहले कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है, थोड़ा सा गाँव दूर पड़ता है तो लोगों में जागृति आएगी। साथ में यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और बच्चे भी जो है ना उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो एक सौभाग्य की बात थी और काफ़ी देर हमने बात की है रक्तदान में। आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरे को आज इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया और लोगों को इस हिसाब ने बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि गाँव में रूरल में आके इन चीज़ में जरूरी होता है कि लोगों को समझाना, ताकि आज हमारे समाज की काम आ सके। युवाओं के लिए मैसेज कह रहे हैं, युवाओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं, टिंकू प्रधान जैसे युवा साथियों को मोटिवेट करके इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने की ज़रूरत है, ताकि ये बच्चे में एनर्जी होती है, ताकि देश के काम आ सके, वही एनर्जी हम पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकें। ब्लड डोनेट जैसे और भी बहुत से पॉजिटिव काम है जो हम देश के हित में कर सकते हैं। थैंक यू। प्रिंसिपल हैं, अगर देखा जाए तो राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज क्या कहेंगे? अमित जी, मैं प्रिंसिपल इंद्र कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आज हमारे यहाँ युवा साथी